नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत ज़्यादा लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टॉक में इतनी ज़्यादा क्यों गिरावट हो रही है। कई लोग कह रहे हैं जो ओपन ऑफर है उसके बाद इतनी बड़ी जो एक भयंकर गिरावट है जो कहीं भी रुकने का कतई नाम नहीं ले रही है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से जो स्टॉक है लगभग वहां से लगभग 9-10% ऑलरेडी गिर चुका है 5 दिनों में सिर्फ दोस्तों, ठीक है। और ये गिरावट ये इतनी ज्यादा है कि निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप पैसे चले भी अगर मान लीजिए ओपन ऑफर में ले भी लिया जाता है तो क्या क्या उन्हें फायदा होगा। इन तमाम सवालों के जवाब प्लस ये गिरावट में क्या हमें नई न्यू कह लीजिए आप खरीदारी करनी चाहिए और एज अ कंपनी एस्कॉर्ट एज अ कंपनी इसमें क्या हो रहा है और इसका फ्यूचर क्या है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा दोस्तों। वीडियो अंत तक देखिएगा। ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन निवेशकों के लिए जो ओपन ऑफर को भी देखना चाहते हैं। ओपन ऑफर रिलेटेड जिनके क्वेश्चंस हैं उनकी यहाँ बहुत सारी क्वेरी सॉल्व होगी। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों, प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं प्लस वो जो ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दें। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ 2 सेकंड लगेंगे जाके ये चेक कर लीजिए आप क्या आपने ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किया है कि नहीं, ताकि आपको ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको आपके इस नोटिफिकेशन बार पर मिलती रहिए। इसीलिए प्लीज़ वो ऑल नोटिफिकेशन के साथ साथ उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें। अब सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों लगभग 3:20 हुआ है, स्टॉक भयंकर गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, 5.60% और 17,000 के लेवल को भी तोड़ रहा है, ठीक है। 17,000 के लेवल को भी ये तोड़ रहा है, लेकिन देखिए ये तोड़ 17,000 बोल रहा हूँ माफ कीजिएगा 1700 के लेवल को भी तोड़ रहा है, लेकिन देखिए अभी क्लोज नहीं हुआ है, शायद क्लोजिंग बेसिस से पहले 1700 से ऊपर क्लोज हो जाए। और 1700 अगर ये तोड़ता है तो मुझे लगता है ये जो वीकनेस है दोस्तों, ठीक है, ये जो वीकनेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी स्टॉक में, ठीक है। और देखिए एस्कॉर्ट में इतनी भयंकर गिरावट पिछले 5 दिनों में ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट हो रही है 9% से भी ज़्यादा। आप अगर एस्कॉर्ट के फ्यूचर्स में जाएंगे ना, अगर आप अप्रैल फ्यूचर्स में भी देखेंगे तो स्टॉक लगभग 1500 के आसपास जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वहाँ ट्रेड कर रहा है, यानी कैश मार्केट से भी बहुत बड़ी गिरावट, और अब ये उसी के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए आखिर ये क्यों हो रहा है, जो ओपन ऑफर है उसको लेकर के ये कारण है, ओपन ऑफर में जो कह लीजिए जिनको सबसे ज़्यादा पोर्शन मिल रहा है वो क्या है, और ओपन ऑफर में जो रूल्स हैं वो किस प्रकार के हैं। तो देखिए इसके मैं आपको लेके चलूँगा, एक बहुत अच्छी आर्टिकल की कट है। देखिए सबसे पहले देखिए देख ऑन November 18, 2021 एस्कॉर्ट्स बोर्ड हैड अनाउंस्ड दैट कुबोटा विल अक्वायर 37.49 मिलियन इक्विटी शेयर और 28.42% ऑफ द एक्सपेंडेड वोटिंग शेयर कैपिटल। द ओपन ऑफर प्राइस वॉज फिक्स्ड एट ₹2000 पर शेयर। जो ये ओपन ऑफर था ये लगभग ₹2000 प्रति शेयर था ना। द ओपन ऑफर फॉर द टेंडरिंग शेयर वॉज ओपन ऑन 14 मार्च, 14 मार्च को ये ओपन हुआ, ठीक है, और ये ओपन ऑफर फिक्स हुआ था ₹2000 प्रति शेयर का और ये क्लोज हो रहा है 28 मार्च को दोस्तों, ठीक है। ये क्लोज कब हो रहा था, 28 मार्च को, और आज क्या है, आज देखिए 28 मार्च है, यानी आज की जो क्लोजिंग है ये हो रहा है 28 मार्च को। और अब देखिए द ऑफर शेयर्स टेंडर्ड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर विल बी एक्सेप्टेड ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस सब्जेक्ट टू एक्विजिशन ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 37.49 मिलियन इक्विटी शेयर। हाउएवर देयर इज नो अश्योरेंस दैट ऑल द इक्विटी शेयर टेंडर्ड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इन द ओपन ऑफर विल बी एक्सेप्टेड। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि जो भी तमाम प्रकार के जो आपके शेयर हैं वो सभी एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने होंगे ये नहीं पता। और देखिए ओपन ऑफर में आज एक बड़ी गिरावट हो रही है, ठीक है, आज खत्म है ओपन ऑफर 28 मार्च को। नाउ द अनएक्सपेक्टेड इक्विटी शेयर विल बी रिटर्न टू द पब्लिक शेयर होल्डर अराउंड 43.62 मिलियन शेयर हैव बीन टेंडर्ड इन द ओपन ऑफर टिल 25 मार्च। जब तक 25 मार्च तक लगभग 43.62 मिलियन शेयर जो है दोस्तों इक्विटी शेयर ये टेंडर हो गए ओपन ऑफर में अकॉर्डिंग टू अ डिस्क्लोजर मेड बाई मॉर्गन स्टैनली। और ये किसने कहा है, ये भाई मॉर्गन स्टैनली ने कहा है अपने जो एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने जाहिर की है या जो उन्होंने डिस्क्लोजर के रूप में दिया है। तो देखिए ये बड़ी गिरावट क्यों हो रही है, देखिए पब्लिक ने माल खरीदा हुआ है,
ओपन, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा ना, अगर आप जब इतिहास में जाएंगे ना तो आप देखेंगे जो ओपन ऑफर के स्टॉक्स होते हैं, ये जब भी ओपन ऑफर पर लिस्ट होते हैं ना, ये काफी निचले स्तरों पे लिस्ट होते हैं, और वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ओपन ऑफर के लिए अगर आप 2000 के ओपन ऑफर के लिए रहे, आप ले सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत मुनाफा भी होगा। मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और आपको लोग, क्योंकि 2000 में जा रहा है स्टॉक, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1700 के लेवल भी तोड़ रहा है, तो शायद आपको ऑफर हो जाए, लेकिन कितना होगा कितना नहीं होगा इस बात पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ ओपन ऑफर के लिए ले रहे हैं, मुझे लगता है ये सही नहीं रहेगा, ये मेरी पर्सनल राय है। ठीक, लेकिन एस्कॉट का फंडामेंटल कैसा है देखिए मैं आपको बताता हूं, आप इधर पढ़िए, काफी अच्छा चीज ये है। देखिए इज स्कॉट्स एस्कॉट्स एफिशिएंटली रीइन्वेस्टिंग इट्स प्रॉफिट, तो देखिए, और देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मुझे वो कंपनीज पसंद है, क्योंकि देखिए डिविडेंड स्टॉक नहीं है ये, ठीक है, ये ग्रोथ स्टॉक है। तो ग्रोथ स्टॉक के साथ ये होता है कि वो जो प्रॉफिट कमाते हैं, क्या वो अपने बिजनेस में हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो मुझे वो स्टॉक बहुत पसंद है, क्योंकि जो ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों उनमें यही तरह का बिजनेस मॉडल होना चाहिए। आप आगे पाएंगे, एस्कॉट्स 3 ईयर मेडियन पे आउट रेशियो इज ऑन द लोअर साइड ऑफ 4.5%, इंप्लाइंग दैट इट इज रिटेनिंग अ हायर परसेंटेज 95% ऑफ इट्स प्रॉफिट, सो इट सीम लाइक द मैनेजमेंट इज री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हैविली टू ग्रो इट बिजनेस एंड दिस रिफ्लेक्ट इन इट्स अर्निंग ग्रोथ नंबर्स। ठीक है, जो 95% ऑफ प्रॉफिट है वो दोस्तों पूरा का पूरा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी लगा रही है, और ये काफी अच्छा साइन है। Now, moreover, Escorts is determined to keep sharing its profit with shareholder, which we infer from its long history of paying dividend for at least 10 years. Our latest analyst data show that the future payout ratio of company is expected to rise to 9.9% over the next 3 years. However, the company's ROE is not expected to change by much despite the higher expected payout ratio. देखिए जो भी ROE ना, return on equity, ये उतना नहीं बढ़ने वाली है जितना कि आप देख रहे होंगे, जो payout ratio है यानी कि जो dividend का payout ratio है वो बढ़ने वाला है आने वाले 3 सालों में। कंपनी डिविडेंड भी बकायदा पिछले 10 सालों में दे रही है दोस्तों, बहुत ही बड़ा पोर्शन अपनी कंपनी का ये इन्वेस्ट कर रही है, किसमें, अपने ही बिजनेस में प्रॉफिट को जो भी कमा रही है, और ये एज अ ग्रोथ स्टॉक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आगे आप देखें समरी क्या है, ओवरऑल वी आर क्वाइट प्लेजेंट विद एस्कॉट्स परफॉर्मेंस, पर्टिकुलरली वी लाइक दैट द कंपनी इज री इन्वेस्टिंग हैविली इन टू इट्स बिजनेस एंड एट अ हाई रेट ऑफ रिटर्न, अनसरप्राइजिंगली दिस हैज लेड टू एन इंप्रेसिव अर्निंग ग्रोथ। ठीक है, हैविंग सेड दैट द कंपनीज अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन एज फॉरकास्टेड इन द करंट एनालिस्ट एस्टिमेट्स, एनालिस्ट का ये मानना है अभी कि नियर टर्म में आने वाले साल में जो ग्रोथ है कंपनी की वो कम हो सकती है, और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है एग्रीकल्चर की वो लगातार बढ़ रही है, जो आप कह सकते हैं जो इनपुट कह लीजिए जो कॉमोडिटी के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो मार्जिन है जो बॉटम लाइन है कंपनी की वो बहुत ही ज्यादा बड़े स्तरों पे हिट हो सकती है। तो ये तो ओवरऑल चर्चा है। दूसरी चीज क्या है, अगर आज 1700 लेवल को ये तोड़ करके बंद होता है तो ये कहां जा सकता है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा लेवल्स दिखाता हूं। देखिए अगर ये स्टॉक आज 1700 तोड़ता है, देखिए तो सेकंड सपोर्ट इसका 1689, ठीक है, कितना है 1689, और अगर अगर ये 1689 तोड़ता है दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेसिस, आज ये 1689 तो नहीं तोड़ेगा मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर कल जब मार्केट खुलता है और 1689 को तोड़ता है, आप देखिए उसके बाद सीधा जो सपोर्ट है 1638 है। ठीक है, और देखिए इतनी गिरावट दिखाई है स्टॉक, इसका 200 EMA ऑन अ वीकली बेसिस देखेंगे तो 1631 है, यानी कि अगर इसके नीचे भी जाता है स्टॉक तो जो 1631 है इस स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए स्टॉक को अगर आप एस्कॉट्स को ले रहे हैं फॉर अ लॉन्गर होराइजन, तो आप एक ही समझ के रखिए, तो शॉर्ट टर्म में आपको एक थोड़ा पेन देखने जरूर मिल सकता है, अभी उस प्रकार के रिटर्न, उस प्रकार के जो कह लीजिए एक प्रॉफिट है ये आपको उतना नहीं दिखा सकता, शायद मेरा यही मानना है, लेकिन अगर अब एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं, इस गिरावट का आप उपयोग एक्यूमुलेशन के लिए करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, मुझे लगता है 1638 के आसपास अगर आता है तो एंट्री के लिए ये बहुत अच्छे लेवल हो सकते हैं, लेकिन फॉर अ लॉन्गर होराइजन। ठीक है, लेकिन देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एस्कॉर्ट्स के ऊपर थोड़ी और रिसर्च करनी होगी। ठीक है, अपने वित्तीय सलाह लें कि क्या अभी आप देख सकते हैं
इसे खरीदने के लिए, क्योंकि देखिए फार्मिंग में स्लो डाउन आपको जरूर देखने मिलेगा। एग्रीकल्चर में इनपुट कॉस्ट ट्रेमेंडसली बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। पेट्रोल डीजल के दाम, आप कह लीजिए जो जो पेस्टिसाइड है उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस प्रकार की डिमांड नहीं दिखने वाली आपको जिस प्रकार की पिछले सालों में दिखी है, और उतनी तेज़ी मुझे नहीं लगता एस्कॉर्ट्स दिखाएगा आने वाले समय में। इसीलिए अगर आपको ये मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, प्लस ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे मेरे एनालिसिस तक, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।